हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशास कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हर्ब पनीर की एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्ब पनीर बनाने के लिए मैंने 500 ml मिल्क लिया है। ये अमूल का फुल फैट क्रीम मिल्क है। जैसे ही एक से दो अच्छा बॉयल मिल्क में आ जाएगा, अब हम इसमें 1/2 कप दही का पानी ऐड कर लेंगे। मैं दूध से पनीर बनाने के लिए नींबू और विनेगर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर खट्टे दही का पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने लगभग 1/2 कप पानी ऐड किया है और अब हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। और अगर ज़रूरत होगी तो हम 2 से 3 टीस्पून इसमें दही का पानी और भी ऐड करेंगे। अब देखिए, मिल्क हमारा अच्छी तरह से कर्डल हो गया है। और अगर अब आपको सिर्फ प्लेन पनीर चाहिए तो आप इसको अच्छे से छान के कपड़े में बांधकर आप फ्रेश पनीर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसे हर्ब पनीर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब ऐड किए हैं और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और 1 हरी मिर्च फाइन चॉप्ड करके ऐड की है और 1 टीस्पून फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ना हो या आप उसे न यूज़ करना चाहें तो आप उसकी जगह बेजिल लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करके बस इसको अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर पे मसलिन क्लॉथ बिछा दिया है, उसके ऊपर हम ये कर्डल मिल्क पोर कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ज़्यादा देर बॉयल करने से धनिया का कलर चेंज हो जाएगा, वो काली पड़ जाएगी, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। बस अब हम इसको अच्छी तरह से एक नॉट लगा कर रख देंगे। इसे हम एक प्लेट पर रखेंगे और इसे दूसरी प्लेट से कवर करते हुए हम इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, इससे जो मिल्क सॉलिड्स होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे और जो एक्सेस वे होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट 1/2 आवर के बाद ही इसे चेक किया तो ये पनीर बन चुका था। आइए अब हम इस मसलिन क्लॉथ की नॉट खोल लेते हैं। आप इस पनीर को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी ड्राई स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। लीजिए, हमारा हर्ब पनीर बनकर तैयार है। देखने में कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। आप इसे एज अ एपिटाइज़र सर्व कर सकती हैं और अगर चाहें तो सैलड्स के ऊपर गार्निश के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसके स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। आइए तो देखिए ये पनीर कितना ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है। और ये पनीर जितना सॉफ्ट होगा खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आइए तो अब इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला और वाइट सॉल्ट स्प्रिंकल करके इसे सर्व करेंगे। ये हर्ब पनीर मेरे दोनों बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है और आप भी इसे अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करती हैं तो उनसे रिलेटेड फीडबैक आप कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।